हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं डालूँगी सरसों का तेल। करीब 2 से 3 कड़छी मैंने सरसों का तेल इसके अंदर डाल दिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गोभी। गोभी को मैंने अच्छी तरह से धोकर कट कर लिया था, तो बिल्कुल इसका पानी निकाल दिया था गोभी का। तो गोभी को पहले हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। जब तक इसका पूरी तरह से कलर चेंज नहीं हो जाता तो इसी तरह से हम फ्राई करते रहेंगे। जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम टू लो ही रखा हुआ है मैंने। लगातार इसी तरह से हम चलाएंगे। देखिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज होने लग गया है। इस तरह से हमें गोभी को फ्राई कर लेना है। इस तरह से जो हमारी जो रेसिपी है बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। जो हलवाई लोग हैं अक्सर इसी तरह से बनाया करते हैं। देखिए गोभी हमारी पूरी तरह से अब फ्राई हो चुकी है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में अलग से। इसी तरह से सारी गोभी को मैंने निकाल लेना है। मैं अक्सर ज़्यादातर इसी तरह से गोभी को बनाती हूँ, तो हमारी जो गोभी है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। देखिए गोभी हमारी पूरी तरह से फ्राई होगी। इसे निकाल लिया है। उसी ऑयल में अब मैं डाल दूंगी आलू। आलू आप किसी साइज़ में भी कट कर सकते हैं। मैंने लंबाई में कट कर लिया है। आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू का भी चेंज हो गया है कलर, तो आलू को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। करीब मुझे 7 से 8 मिनट लग गए हैं इन्हें फ्राई करते हुए। दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए आलू भी मैंने निकाल लिए हैं। अब जो ऑयल हमारा बचा है उसमें देखिए अब मैं डाल दूंगी जीरा। थोड़ा सा ऑयल मैंने बाद में फिर डाला है। थोड़ा सा डालूंगी अदरक, साथ ही में थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। एक बड़ा प्याज मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। सभी चीज़ों को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। देखिए प्याज हमारी जैसे ही ब्राउन होंगे थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम प्याज का, वैसे ही हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। 2 टमाटर मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम। लाल मिर्च मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने खानी है, तो इसलिए मैं इसमें कम ऐड कर रही हूँ। आप जो मसाले अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। और जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, मेन सीक्रेट जो है इस रेसिपी का, मैं आपको अब बताती हूँ कि ये जो गोभी के साथ डंठल होते हैं उन्हें मैंने धोकर अच्छी तरह से कट कर लिया। जो इसका जो फ्लेवर है, इसका टेस्ट है, बहुत ही अलग सा आता है इस रेसिपी के अंदर, तो मैं तो इसे ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर डालिएगा। इस तरह से एक बार बनाकर देखिए। बाकी जो हमने आलू और गोभी को फ्राई किया था वो भी इसके अंदर मैंने डाल दी है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। तो देखिए सारी सब्ज़ी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं ढककर रख दूंगी इसे करीबन सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए। देखिए इसे 7 मिनट हो चुके हैं। हमारी रेसिपी जो है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में करिए, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लेकर आएंगे नए नए